साबरी की साधना। साबरी भगवान राम की परम भक्त थी। वह साबर जाति की एक भोली भाली लड़की थी, लेकिन साबरी इतनी क्रूर थी कि साबर जाति के लोग भी उसका तिरस्कार करते थे। साबरी के माँ बाप को साबरी के विवाह की बहुत चिंता थी। वो दिन रात बस इसी चिंता में डूबे रहते कि आखिर साबरी के विवाहिक जीवन का क्या होगा। आखिरकार साबरी के माता पिता को साबर जाति का एक विवाह योग्य लड़का मिल गया। माता पिता ने रात्रि में साबरी का विवाह कर उसे रात्रि में ही विदा कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं लड़का साबरी को देखकर विवाह के लिए इनकार ना कर दे। साबरी अपने पति के साथ रात्रि में ही निकल गई। आगे आगे साबरी का पति चल रहा था और पीछे पीछे साबरी। चलते चलते वो दंडक वन में आ पहुंचा। वहां उन्हें सुबह हो गई। लड़के ने सोचा, देखूं तो सही मेरी स्त्री कैसी दिखती है। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो साबरी की कुरूपता देखकर वह डर गया। उसे लगा, ये तो कोई राक्षस कुल की ही है जो मुझे यहीं खा जाएगी। ये सोचकर लड़का साबरी को वहीं छोड़कर भाग गया। अब साबरी दंडक वन में अकेली रह गई। वह पीहर से तो आ गई थी, लेकिन उसे अपने ससुराल का कोई पता ना था। अब साबरी जाए तो कहाँ जाए। दंडक वन में रहने वाले ऋषि साबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। उसी वन में मतंग नाम के एक ऋषि महात्मा रहते थे। मतंग ऋषि को साबरी को देखकर उस पर दया आ गई। उन्होंने साबरी पर कृपा कर उसे अपने आश्रम में रहने के लिए शरण दे दी। दूसरे ऋषि मुनियों ने जब ये सब देखा तो उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया। उन्होंने एक कुरूप और अछूत जाति की लड़की को अपने आश्रम में शरण दे दी थी, लेकिन मतंग ऋषि ने किसी की भी एक बात ना सुनी। उन्होंने प्रेम से साबरी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी तुम घबराओ नहीं, जैसे कोई पुत्री अपने माँ बाप के पास रहती है वैसे ही तुम मेरे पास रह जाओ। साबरी अब खुशी खुशी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। साबरी को ऋषि मुनियों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि साबरी का तिरस्कार करते थे, इसीलिए साबरी छिप छिप कर उनकी सेवा किया करती थी। रात में जब सब सो जाया करते थे तो साबरी रात में ऋषियों के स्नान के लिए सरोवर जाने वाले रास्ते को जाकर बुहार देती थी। जहाँ कंकड़ पत्थर पड़े होते थे उन्हें हटाकर वह बालू बिछा देती थी। ऋषियों के लिए ईंधन लाकर रख देती थी। अगर कोई साबरी को देख लेता तो वह वहाँ से डर के मारे भाग जाती थी। उसे डर था कि कहीं मेरी छाया ऋषि मुनि पर पड़ गई तो वह अशुद्ध हो जाएंगे। बस इसी प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उसका समय बीतता गया। आखिरकार एक दिन वह समय भी आ पहुंचा जो सबके लिए अनिवार्य है। मतंग ऋषि का शरीर छूटने का समय आ गया था। जैसे माँ बाप के मरते समय बालक रोते हैं, वैसे ही साबरी भी फूट फूट कर रोने लगी थी। रोने के सिवा वह कर भी क्या सकती थी। मतंग ऋषि ने साबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी तुम चिंता ना करो, एक दिन तुम्हारे पास भगवान राम आएंगे। इतना कहकर मतंग ऋषि शरीर छोड़कर चले गए। अब साबरी दिन रात भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों की खड़खड़ाहट भी होती तो बाहर आकर देखने लगती, कहीं भगवान राम तो नहीं आ गए। वो प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फल लाकर रख देती थी। फलों में भी बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए चक्कर रख देती थी। फिर राम जी नहीं आते तो अगले दिन फिर नए फल ले आती। राम जी को भोजन कराने का उसके मन में बहुत उत्साह था। प्रतीक्षा करते करते एक दिन साबरी की साधना सफल हुई। मतंग ऋषि के वचन सत्य हुए। भगवान राम साबरी की कुटिया में पधारे। कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान राम से उनके आश्रम में चलने के लिए प्रार्थना की, लेकिन भगवान राम केवल साबरी की कुटिया में आए। जैसे साबरी को भगवान राम से मिलने की तीव्र इच्छा थी, ठीक वैसे ही भगवान राम को भी साबरी से मिलने की उत्कृष्टता थी। भगवान राम साबरी की कुटिया में पहुँचे। साबरी के आनंद की सीमा नहीं रही, वह भगवान के चरणों में लिपट गयी। जल लाकर उनसे भगवान के चरण धोए, फिर आसन बिछाकर भगवान को बैठाया। फल लाकर साबरी ने भगवान के सामने रखे
और प्रेम पूर्वक उनको खिलाने लगी। और आप सबने रामायण तो देखी और पढ़ी ही है, वहाँ भी साबरी का सुंदर संवाद बताया गया है। जय श्री राम।